जी भगवान की जय। सच्चिदान सदगुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 28वां अध्याय। राम जी का प्रश्न में वशिष्ठ जी का पहला उत्तर। इस शरीर रूपी घर का जिसमें हड्डियां ही खंभे हैं, मुख आदि नव दरवाजे हैं और जो रक्त और मांस से लिपा गया है, वास्तव में किसी ने भी निर्माण नहीं किया। कैसे किसी ने निर्माण नहीं किया तो ये घर कैसा है? ये घर काल्पनिक है, काल्पनिक है। श्रुति और पुराण की आख्यायिकाओं में यह प्रसिद्ध है कि इस देह का निर्माण करने वाला ईश्वर है, और जीव तो अपने कर्मों के उपभोग के लिए इसका निर्माण कराने वाला है। फिर इन दोनों का अपलाप आप कैसे कहते हैं? यदि ऐसा कोई शंका करे तो उसके ऊपर कहते हैं, हे राघव, यह शरीर केवल आभास रूप झलक मात्र ही है, बिना निर्माता के ही अवभासित होता है। द्विचंद्र विभ्रम के सदृश इसका स्वरूप मिथ्या है, तथा प्रतीति काल में सद्रूप से और परमार्थ दशा में असद्रूप से स्थित रहता है। जैसे जल में गिरा चंद्रबिंब, चंद्र प्रतिबिंब एवं चक्षु और अंगुली रखने से वह द्वितीय चंद्रमा का विभ्रम निर्माता की अपेक्षा नहीं रखता, वैसे ही आभास मात्र यह शरीर भी निर्माता की अपेक्षा नहीं रखता। श्रुति में प्रसिद्ध जो ईश्वर निर्माता तो है, वो पुरुष निश्वास दृष्टांत देखने से मुख्य प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार जीव का निर्माणकारित्व भी मुख्य नहीं है, क्योंकि वैसा निर्माण कराने में ना कोई बुद्धि का उपयोग है और न कोई अनिष्ट का निर्माण ही कराता है। अब राम जी का सवाल का जवाब देते हुए वशिष्ठ जी ये कहे कि बच्चों, राम जी देखो, ये तो शरीर कुछ खंभे लगे हुआ मकान है, खंभे के बिना मकान नहीं होता, पिलर बना चाहिए। तो ये खंभा कौन है? ये हड्डियां है शरीर के, और चारों तरफ से इस घर को लिपाई पुताई किया गया, इसमें मांस और चमड़े ये सब लिपाई पुताई हुआ है।
और वास्तविक देखो तो ये घर का कोई निर्माण करता कोई नहीं है, कोई निर्माण नहीं किया है। तो कोई निर्माण नहीं किया तो मकान बन जाएगा कैसे? तो इसके ऊपर कहते हैं कि निर्माण करता नहीं है इसीलिए बना नहीं, मकान बना ही नहीं, ये मकान नहीं है, मकान नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हो? तो मकान का निर्माण करता कोई नहीं मतलब न मकान भी नहीं है, मकान का कोई बनाने वाला नहीं। ये तो हम कल देख लेते हैं, आज उसके ऊपर फिर शंका हो रहा है, कोई बनाने वाला नहीं आप बोले हो और हमारे श्रुति स्मृति में जो मतलब जो जितना जो हमारे वेद पुराण में उपनिषद में ये तो कहा गया ईश्वर इस शरीर को बनाया, अथवा दूसरे कहीं ऐसा भी कहा गया कि जीव जीव भी इस शरीर को बनाया, जीव हाँ जीव मतलब ईश्वर का एक अंश, ईश्वर किसको कहेंगे? ईश्वर कहेंगे जो हमारे ब्रह्मा मानो विष्णु मानो शिव मानो जो मालिक है उसको ईश्वर कहते हैं, जो मालिक है जो सबसे जो सबका कंट्रोलर है ईश्वर है, और वो इस शरीर को बनाया, उसके रूप में जिसको आप लेना ले लो इसको बनाया, अथवा उसका एक अंशभूत जीवात्मा जो एक अंशभूत है, मतलब कहने का गांव वाले बनाए अथवा एक परिवार बनाया है ना, ये जो मकान दिखता है ये कौन कौन बनाया? अगर कोई पूछा गांव में एक मकान है वो मकान को किसने बनाया, कोई कह सकता है गांव वाले बनाए, गांव वाले पंचायत घर है ना, नहीं पंचायत घर को गांव वाले बनाए, अथवा किसी का व्यक्तिगत घर होगा तो गांव का एक व्यक्ति है ना, व्यक्तियों को लेकर गांव होता है। तो इसी ढंग से चाहे समष्टि रूप से हो चाहे व्यष्टि रूप से हो कोई बनाया ऐसा कहा गया, ऐसा जब कहा गया है और तुम बोलते हो नहीं कोई नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया कैसे होगा? हाँ ऐसा बोला वो जब क्या झूठ बोला, ये सब शास्त्र वगैरह सब झूठ बोले हैं। नहीं भाई झूठ नहीं बोले हैं, बशीर जी बोलते हैं झूठ नहीं बोला कोई, लेकिन मैं भी तो झूठ नहीं बोला कोई झूठ नहीं बोलता है, जो बोलता है उसका अर्थ को समझने वाला झूठ समझता है, गलत समझ रहा है। जैसे मैं बोला आपको बार बार बोला था, मैं कहा देखो देखो अंगुली दिखा करके दिखाया, ए देखो देखो वो कितनी सुंदर तोता आकर के वो पेड़ के ऊपर बैठा, देखो सूर्यमुखी फूल का बीज खाने के लिए आ गया, देखो वो पेड़ के ऊपर बैठा है, देखो देखो कितना सुंदर तोता। तो आप अगर मेरे उंगली को देखेंगे तो तोता दिखेगा क्या? ये तो हम पहले बोल रहे थे लक्षार्थ, लक्षार्थ क्या होता है? ये लोग जो बोलते हैं ये सीधा कोई चीज नहीं बोला जा सकता है, ना कोई बोला है शास्त्र पुराण ये सब कोई सीधे कोई बात ही नहीं करते है। तो क्यों नहीं करते हो सीधे बात नहीं करते हो? अरे ये कपट पूर्ण मतलब क्रुकेड
ये जो कुछ कुटिलता को क्यों व्यवहार करते हो? अरे भैया, ये भाषा ही ऐसा शब्द का योजना, भाषा ये ऐसे ही है, इसमें सीधा कुछ नहीं है। सीधा मतलब कैसे होता है? सीधा मतलब जो एक होगा वही तो सीधा होगा, दो हो जाएगा तो उसमें सीधा कैसे होगा? एक दूसरे के संबंध से कोई बात बनेगा? नहीं तो हो ही नहीं सकता। दो में एक दूसरे का कोई संबंध का विचार करके ही बात बनता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता है बात। इसीलिए शब्द और शब्द का जो विषय के साथ संबंध, ये दोनों मिलने से शब्द का कुछ अर्थ बनता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसीलिए वो सीधा हो ही नहीं सकता है। शब्द कभी शब्द का कोई अर्थ सीधा हो ही नहीं सकता, हमेशा कुटिल होता है। कुटिल मतलब टेढ़ा, टेढ़ा होगा और वो कुछ कभी बदल भी जाता है। और स्वामी जी वो देखे कुछ तो बोले ना, वहां शब्द की पहुंच है वही तो, जब वहाँ कुछ स्ट्रीट है ही नहीं, क्लियर है नहीं, तो उसको कैसे शब्द वहाँ बनाई नहीं सकता उसको? वही क्लियर नहीं, क्लियर तो है, अनुभव अलग अलग है। हाँ क्लियर तो है, लेकिन भाषा के परे है। इसीलिए भाषा के परे है कि भाषा संबंध से भाषा बनेगा। संबंध मतलब द्वेत, भाषा द्वेत में प्रयोग होता है, एक बोलेगा एक सुनेगा, और वहाँ संबंध है। हाँ वहाँ किसी का संबंध है, वहाँ पहुँचता वही वही उसमें मिल जाता है। हाँ एक हो जाता है, एक हो जाता है, वहाँ कोई संबंध नहीं होता है, एक है, परम एक है। इसीलिए भाषा कभी सीधा हो ही नहीं सकता है। तो वो जो कहते हैं, वो जो लक्ष्य उसका है भाषा का, उसको समझो भाई, कोई झूठ नहीं बोलता है, इशारा से बोलते हैं। जो कुछ बुला जाता है सभी इशारा से होता है। गुंगा गुंगाओं का जो भी भाषा होता है वो इशारा से करते हैं। और भाषा को खाली ये जो बैखरी भाषा कहा गया था, शब्द का चार फेज है, चार फेज का ये जो चौथा फेज स्थूल रूप जो बैखरी कहा गया, वो बैखरी ये तो एक स्वरूप है शब्दों का, और इसको हम भाषा कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक किस्म का भाषा नहीं, शारीरिक भाषा भी होता है, बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। आंख से बात हो जाती है, हाथ से बात हो जाती है, शरीर का सिर से बात हो जाती है, हाँ नहीं हो जाता है। इसीलिए शारीरिक भाषा भी होता है, खाली है शब्दों का उच्चारण करना भाषा नहीं है, वो है भाषा, लेकिन उतना ही मात्र नहीं है भाषा। भाषा तो कितने किस्म के होता है, इशारा से भी भाषा होता है, और कुछ नहीं बोले, बिल्कुल मौन रहा, ना शरीर हिला ना शब्द निकला, तो भी भाषा है कैसे? कैसे भाषा? मौनम सर्वार्थ साधकम। मौन भी एक भाषा होता है, मौन भी एक भाषा होता है। साइलेंस ऑल्सो इज ए लैंग्वेज, दैट इज द हाईएस्ट लैंग्वेज, सबसे सबसे
उच्च कोटि का भाषा मौन है। और इस मौन भाषा से महात्मा लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं। इस ढंग से जो शास्त्र कहा, शास्त्र का कहना सच तो है लेकिन उसका अर्थ जैसे तुम समझते हो ऐसा नहीं है। मान लो मैं दो अंगुली दिखाया तुमको, क्या ऐसा दिखाया ये, तो क्या समझे आप, क्या समझे बोलो। अलग अलग डेरिवेशन कितने अलग अलग, इसके ऊपर कितने अलग अलग अर्थ हो जाएगा। दो मतलब दो अंगुली भी हो सकता है, दो मतलब एक नहीं दो है, दो मतलब ये भी बनाता है विक्टोरी विक्टोरी दो बोलना, दो हाथी हो सकता है, दो घोड़ा हो सकता है, दो गद्दे भी हो सकता है, कुछ भी दो हो सकता है, इसीलिए इसका पार अनंत अर्थ होता है, एक आधे नहीं है। ऐसा खाली बोल दिया तो इसका एक अर्थ नहीं होगा। ऐसा कविताओं का देखो, कविताओं का अर्थ कैसे अलग अलग अर्थ कर देते हैं। हम उस दिन पढ़े थे ना कविता, तू चला मैं तो चला, उसका साधारण अर्थ तो अलग है, और आंदोलनी जो जो आध्यात्मिक अर्थ अलग है, कि नहीं, दो अर्थ निकाले। और शब्दों का भी अनेक अर्थ होता है, एक शब्द का अनेक अर्थ हो जाएगा। जैसे कमल, कमल मतलब क्या हुआ, कमल मतलब कीचड़ भी है और कमल मतलब फूल भी है। ख मतलब क्या हुआ, ख खाली ख मतलब आकाश हुआ, ख मतलब एक एक अक्षर भी तो है नहीं होगा। क मतलब मतलब जल, क मतलब जल, इसलिए कमल कमल हुआ। क मतलब खोपड़ी भी है, मस्तक का नाम का कदली का मतलब क्या कहते हो, कदली कदली केला का नाम है, केला का नाम कदली, शुद्ध हिंदी शब्द है, संस्कृत से संस्कृत का शब्द है। और कदली जब मस्तक को काट दिया वो कदली है, काटने वाला, गला काटने वाला दस कदली राम जी का नाम, दस सिर को जो काटते थे दस कदली मतलब राम जी का नाम है दस कदली। तो क्या क्या अर्थ हम निकाल सकते हैं कविता में, एक चीज बोल देता है जो है चार पांच कितने अर्थ निकल जाते हैं। भुवन मतलब भुवन मतलब भुवन भुवन बन जा बन जात तू, बनज पत्र में तेरा, भुवन भुवन बन जा बन जात तू, बनज पत्र में तेरा, क्या हुआ भुवन भुवन, भुवन मतलब संसार और भुवन मतलब जल, ये संसार जल, जल मतलब सागर बन जाए। भुवन भुवन
संसार रूपी जो संसार जो है वो सागर है, जल है, भुवन भुवन वाला। हे वनजात, वनजात वन मतलब जल, इसलिए तो भुवन। हे भुवन, हे भुवन वन जा वन जात तू, हे वन जात, वन जात वन से जो पैदा हुआ, जल से जो पैदा हुआ कमल, और वन जात जंगल में पैदा हुआ चीज को भी वन जात कहते हैं। वन जात पशु के नाम भी हो सकता है, वन जात वृक्ष का नाम भी हो सकता है, वन जात कुछ भी को बोल दो। वन में जो पैदा हुआ, वन मतलब जल भी है, इसलिए हे वन, हे वन जात, हे कमल, वन जा वन जात तू, ये कोई भगवान को प्रार्थना कर रहा है। भगवान को कितने भक्त कैसा भाषा में प्रार्थना कर रहा है। भुवन भुवन, ये संसार जल रूप है भगवान, और हे वन जात तुम बन जा बन जात तू, हे भगवान तुम कमल बन जाओ, क्योंकि कमल नाभ है और कमल 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 नयन है, सब उनके कमल से देते हैं उदाहरण देते हैं। तो हे बन जात, हे भुवन भुवन बन जा बन जात तू, तुम हे भगवान तुम बन जात कमल बन जाओ, हे बनज हे कमल, अब कमल को बनज भी कमल है, बन जात भी कमल है। हे कमल, हे भगवान कमल रूपी भगवान, मैं तुम्हारे पत्र बनू। मैं का पत्र कैसा रहता है संसार में, कमल का पत्ता कैसे रहता है, अनासक्त रहता है, और कमल पत्ता के पानी के ऊपर रहेगा और फूल जो है ऊपर रहता है। इसीलिए हे भगवान मैं तेरा तो पत्ता बनूंगा, तुम कमल बन जाओ संसार रूपी जल में। अरे मैं क्या करूंगा पत्ता बन जाने से, तुम्हारे पराग मेरे ऊपर ही तो पड़ेगा, कहा जाएगा। तुम्हारा आशीर्वाद रूपी पराग जो है मेरे ऊपर हमेशा बारिश होते रहे, और मैं संसार में अलिप्त रहूं, तुम्हारे आशीर्वाद को प्राप्त होता रहूं। ये भगवान के पास भक्त प्रार्थना करता है, कितने अर्थ बदल जाता है देखो शब्दों का। मेरी लीला भी बताएंगे, कैसे मेरी लीला पा रहे। बनज बन भुवन भुवन बन जा बन जात तू, बनज पत्र में तेरा, सलिल संग असंग रहूं, रंग जाऊं पराग से तेरा। तेरे पराग से मैं रंग जाऊं और सलिल संग असंग रहूं। सलिल मतलब जल, इतना सुंदर भगवान से प्रार्थना करता है भक्त, और भाषा देखो याद रखोगे। भुवन भुवन बन जा बन जात तो, हे भगवान तू बन बन जात बन जा बन जात बन जा। अरे बनज पत्र में तेरा, मैं पत्र बन जाऊंगा, तू कमल बन जा, सलिल संग असंग रहूं, रंग जाऊं पराग से तेरा, क्योंकि कमल ऊपर रहेगा खिलता हुआ, उसका पराग पत्ते के ऊपर गिरेगा,
मैं कमल बन पत्ता बन जाऊंगा तो पानी के संग तो संसार में तो मैं असंग रहूंगा और तुम्हारे आशीर्वाद पाते रहूंगा, दोनों काम बन जाएगा मेरा। भक्त भगवान को ये प्रार्थना करता है। अब देखो भाषा, वो जो बसीत जी बोल रहे हैं, तुम भाषा तो सही बोला या नहीं, ये बोला क्या रे, ये ले आ रहे थे। ये सब शास्त्र से बोलते हैं, बात सही करते हैं, लेकिन शास्त्र का अर्थ को तुम लोग समझते नहीं, समझते नहीं। श्रुति और पुराण की आख्यायिकाओं में, कहानियों में, आख्यायिका कहानियों में यह प्रसिद्ध है कि इस देह का निर्माण करने वाला ईश्वर है, इस शरीर को ईश्वर ही निर्माण करता है, और जीव तो अपने कर्मों के उपभोग के लिए इसका निर्माण करने वाला है। जीव भी है, ईश्वर भी है, दोनों चीज बताया। जीव कैसे, जीव तो निर्माण करता तो है, मतलब ढांचा तो बना रखा है, कौन, ईश्वर। ढांचा तो कोई, ये मोल्ड जो होता है ना, मोल्ड, डाई, डाई जो होता है उसको तो किसी ने बनाया, बाकी तुम उसके ऊपर कुछ भी डालो बन जाएगा। ईंट का फ्रेम बनाने वाला तो कारपेंटर होता है, और कुली लोग उसमें कितनी ईंट बना लेते हैं। तो दोनों बनाने लगे ना, एक तो ढांचा बना दिया और दूसरा उसी ढांचा से हजारों बना देता है। तो जीव तो अनेक है, जीव अनेक होने से अपने अपने कर्म को भोग करने के लिए वो शरीर को बना लेते हैं। 84 लाख योनिया है, योनिया मतलब 84 लाख किस्म के ढांचा बनाया गया, उसमें कितने बन जाएंगे, मनुष्य का ढांचा है, मनुष्य में कितने मनुष्य बन जाते हैं, कितने बिगड़ जाते हैं, कितने एक फ्रेम में कितने ईंट बन गया, कितने टूट गया, फिर बनते जाता है, ऐसे ही शरीर है। मनुष्य को एक ढांचा मानेंगे और उसके अलावा मनुष्य जो नहीं है, एक है, ऐसा 84 लाख जो नहीं है। कितने स्पेसिस, तो कहने का मतलब यह है कि ईश्वर तो बनाया शरीर को, लेकिन जीव जो है, और ईश्वर जीव में भेद समझ जाते हैं आप, ईश्वर तो समष्टि का नाम है, जीव व्यष्टि का नाम है। व्यष्टि जैसे समष्टि हुआ तो गांव, और व्यष्टि हो गया एक परिवार। अच्छा, समष्टि हुआ शरीर, व्यष्टि हुआ एक अंग, समष्टि व्यष्टि एक दूसरे से संबंधित होता हुआ भी अलग दिखता है। तो ईश्वर इसको बनाया, और देही जो जीव, जीव कल में बताया था जो पुरियास्तक वाला जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर होता है, और वो स्थूल शरीर को निर्माण करता है, वो जीव कहलाता है। सूक्ष्म शरीर वाला जीव कहा गया, आत्मा जीवात्मा कहा गया, और स्थूल शरीर को शरीर देह कहा गया। और ये स्थूल शरीर को अगर क्षेत्र मानोगे, मतलब खेती मानोगे, तो सूक्ष्म जीव जो उसके अंदर रहता है
जीव जीवात्मा जो रहता है उसको किसान मानो, और बीज देने वाला कौन है, परमात्मा है, मतलब जो पहला शुरू किया है आदि बीज। पहला एक बीज होगा तो फिर वह अनेक में बदल जाएगा, 50 लोग ले लो बीज कोई बात नहीं, पर पहला तो कहीं होगा एक, उसको हम जो हमारे एग्रीकल्चर भाषा में क्या कहते हैं, एक एक फसल का सेंटर ऑफ ओरिजिन, एक जैसे एक क्या कहते हैं ग्रेन हो कुछ भी हो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है, सेंटर ऑफ ओरिजिन पहले कहाँ से शुरू हुआ। अब तब फिर ये जो आलू होता है ना पोटैटो, ये भारत का नहीं, बर्मा का है ना, नहीं ये है एक तो चाइना के मंगोलिया में भी है, और एक है ये यूरोप का एक जगह है वहाँ ये बनता है। और आप क्या कहें, बर्मा हो सकता है बाद में, सेंटर ऑफ ओरिजिन पहला कहाँ से निकला, मंगोलिया है, मंगोलिया जो चाइना के अंदर अभी है, मतलब एशिया का बीच का हिस्सा जो है। और ये गेहूं, गेहूं भारत का नहीं, ये अमेरिका का, उत्तर अमेरिका का सेंट्रल एरिया जो है वहां गेहूं पहला निकला। धान है भारत का, इसको निवार बीज बोलते हैं, धान को निवार बीज। इसमें पहले तो अभी भी है, धान में एक एक सींग होता था, वो जंगल में पैदा होता था, ऋषि मुनि लोग इसी को खाते थे अपने आप जंगल में पैदा होता था, और उसको धीरे धीरे घरेलू बना दिए, जैसे ये फूल वगैरह कुछ जंगली फूल को हम ला करके घरेलू बना लेते हैं, उसको उसका ज्यादा बीज का जोड़ तोड़ करके फिर उसका नया नया स्पेसिस निकाल देते हैं। आजकल टिश्यू कल्चर चलता है, ग्राफिंग कल्चर करता है चलता है, तो ये सब चलता है, धीरे धीरे ये अनेक जात में बदल जाते हैं, लेकिन पौधा कहाँ से निकला। तो इसी ढंग से ये जो हमारे डीएनए और ये निकला कहाँ से, पहले इसका शुरू कौन क्या, कौन सा जागा है, जागा कहाँ है, समय कौन है, और कैसे ये पैदा हुआ, ये तो स्थूल रूप से हमारे जो दृश्य जगत का कुछ पेड़ पौधों का कहानी है, लेकिन मनुष्य प्राणियों का कहानी कैसे कहां से पहले शुरू हुआ। पहला शुरू हुआ ब्रह्मा पहले बना, सृष्टिकर्ता पहले कैसा बना मैं बताया, वो पहले कल बताया था वो हिरण्यगर्भ अथवा विराट तेजस, और ये एक रूप लिया जिसमें सोचने का और सूक्ष्म रूप से सोचने का शक्ति है, तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा फिर सोचा कैसे मैं क्या करूं कैसे करूं, तो फिर अपने आप उसको भास हुआ, आकाशवाणी हुआ मानो, या जैसे भी मान लो, या हंस उपाचान है, अलग अलग कहानियां हैं, जैसे सृष्टि को पहले शुरू कैसा किया हो, तो वेद में कहा गया यथा पूर्वम अकल्पयत, पहले जैसे था उसको पहले कैसे याद आया, जैसे तुम कल किया हुआ काम को याद करते हो ऐसे ही याद रहता है,
सबको याद है और जिनकी यादगारी रहती है उसका नाम स्मृति, उसी का नाम संस्कार भी है, उसका नाम इम्प्रेशन है। जो पहले का वो ढांचा तो है और उसी को जैसा पूर्व पहले जैसे किया था उसको स्मरण करके फिर अवकाश सिटी बनाया। और दूसरे दूसरे कहानियों के जरिए से दूसरे दूसरे तरीके से इसको एक्सप्रेस किए हैं अलग अलग ऋषि मुनि। कोई कहा एक ब्रह्मा कमल के ऊपर ध्यान मग्न था, एक दूसरे ब्रह्मा को आकाश में देखा, मतलब अपना ही दूसरा रूप को देखा जो उसको बताया और आपस में फिर बातचीत हुआ, अपने को दो करके देखा। तो फिर वो पूछा तुम कौन हो, तो वो कहा तुम जैसे ब्रह्मा हो मैं ऐसा मैं ब्रह्मा हूँ। तो तुम कैसे कहाँ के ब्रह्मा हो, कैसे ब्रह्मा, मैं सृष्टि करता ब्रह्मा हूँ। अच्छा तुम कैसे सृष्टि किया है और मैं क्यों कौन हूँ, कैसे आया हूँ, क्या करूंगा, तुम भी ब्रह्मा हो, तुम सृष्टि करता हो, तुम सृष्टि को शुरू करो, कैसे करूं जैसे मैं क्या हूं देखो करो। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि यथा पूर्व अकल्प है, ऐसा भी कहा जा सकता है अपने आप को दो करके देखा। एक वो हम बहुचा वेद के साथ भी मिल जाएगा उस ढंग से सोचेंगे तो हम एक हम बहुत से हम दो करके पहले देखा, दो से फिर अनेक हुए। तो इसी ढंग से हंस उपाख्यान में जो परमात्मा वो हंस नाम से जाना जाता है, सोहम हंसा परम हंसा परमात्मा चिन्मयो हम, हंस नाम से परमात्मा को बोला जाता है। अच्छा वो हंस जो निर्गुण निराकार है वो किसी कैसे भी किसी कारण बस कल्पना रूप एक हंस बना, बन करके ब्रह्मा का अपना ही जिज्ञासा का पूर्ति के लिए ब्रह्मा के पास दिखाई दिया, तो फिर उसको ज्ञान भी दिया और उसको फिर सृष्टि का तरीका बना। तो इस ढंग से अलग अलग ढंग से कहानियां हैं, कहानी तो अलग अलग होगा, भाषा अलग अलग होगा, तत्व तो एक ही चीज है, एक ही चीज को ऐसा अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बताते हैं। इसीलिए ईश्वर बनाया चाहे जीव बनाया, अब ईश्वर तो बना लिया वो अपना मन मर्जी से बनाया, वो परम स्वतंत्र है करके बनाया, लेकिन जीव क्यों बनाएगा, जीव तो परतंत्र है, जीव क्यों बनाया, कहा गया अपना भोग के लिए, अपने इसको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, कर्म को भोग करने के लिए, कर्म को भोग करने के लिए शरीर बनाया, स्थूल शरीर को बनाया, सुख के लिए, समझे लालच में पड़ गया होगा सुख के, है लालच में पड़ गया ना सुख के, दुख के लिए नहीं बनाएगा। और ये सुख दुख तो बाद की बात है, लेकिन कर्म भोग करना मतलब अनेक में विस्तार करना, जैसे किसान क्या करता है बीज को बढ़ाता है और कुछ उससे हिस्सा भोग के लिए ले लेता है और रखता है फिर आगामी भोग। वहाँ जो सुख नहीं कर्म है, वहाँ खाली कर्म है, कर्म को बढ़ाना, तो शरीर यही है भोग, कर्म से शरीर भोग, भोग मतलब सुख और दुख दोनों होगा। तो भोग करना मतलब खाली एक चीज को भोग नहीं कर सकते, इसलिए सुख के लिए बनाओगे तो दुख मिलेगा, दुख के लिए बनाया तो सुख बनाया, कर्म का भोग कर, कर्म का कर्म फल का, अरे जबरदस्ती भोग करना ही पड़ेगा, क्यों भोग करना क्यों जबरदस्ती,
अरे भाई तुम ही तो बोलते हो आने के में बदलाना है, बढ़ाना है, खुद पहले से शुरू किया इसी मतलब से, एक अहम बहुश्याम वृद्धि होगी, वृद्धि मतलब उसको कर्म में कर्म होगा तभी तो आगे बढ़ना। रोड में अगर गड्ढा करेंगे हाँ तो उसमें घुसना पड़ेगा, पुल बनाएंगे तो आसानी से पार करेंगे, दोनों कर्म है। इसीलिए इस शरीर को बनाया कि शरीर के माध्यम से मैं कर्म को बढ़ाऊं, और शरीर बना क्यों बनाया वो कर्म को बढ़ाने के लिए, कर्म का फल को कर्म करेगा, कर्म फल को भोगेगा, इसलिए बनाया। अपने भोगी इसका मतलब है। और कर्म कैसा है आप लोग अच्छी तरह जानते हो, कर्म प्राण से होता है, मन से होता है, इंद्रियों से होता है, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, चेष्टा देते हैं, तो फिर ये सब मिल करके संबंध रख करके सब मिल करके कर्म को करते हैं, अपने आप में भी करते हैं, जैसे मन का किसी के भी सहायता के बिना भी कर सकता है, लेकिन स्थूल कर्म करने के लिए स्थूल शरीर का जरूरत होता है। और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म कर्म करता है, मानसिक कर्म होता है, प्राण भी कर्म करता रहता है। इस ढंग से ज्ञानेंद्रिया सूक्ष्म है, ज्ञान को आहरण करते हैं वो कर्म करते हैं, देखना सुनना इत्यादि, और कर्मेंद्रिया हाथ पैर इत्यादि स्थूल है ज्ञानेंद्रियों से, इसीलिए वो स्थूल कर्म करते हैं। इस ढंग से कर्म करने के लिए, कर्म का फल भोगने के लिए जीवात्मा अंदर रहने वाला जो सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, हम तो पंच कोश के बारे में बताए थे, और अभी तीन शरीर भी याद रख लो कि स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर फिर एक कारण शरीर है, कारण शरीर कैसा, और सूक्ष्म शरीर जो पूरी अष्टक है, अतिवाहिक शरीर भी बोलते हैं, अतिवाहिक शरीर, क्योंकि कर्म का जो संस्कार है, जो चित्त जिसको हम कहते हैं, जहां पर इकट्ठा रहता है, तो वो ये प्राण, ये जो पूरी अष्टक है सूक्ष्म शरीर, वो उस संस्कार को लेकर के वो एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है, स्थूल शरीर से फिर सूक्ष्म शरीर में जाता है, सूक्ष्म शरीर फिर और कहीं जाकर के किसी किस्म के दूसरा स्थूल शरीर को बनाता है कर्म के अनुसार, और फिर उसको उसके अंदर घुस जाता है, उसके सहायता से फिर और दूसरे कर्म कर लेता है। इस ढंग से शरीर से शरीर जाता है, इसलिए अतिवाहिक बिहार उसको संस्कारों को कैरी करता है, ले जाता है, इसलिए वाहिक वहन करता है, इसलिए अतिवाहिक शरीर कहा गया, उसी को सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर पूरी अष्टक और अतिवाहिक शरीर एक ही का नाम है। अच्छा, फिर करण शरीर किसको कहोगे? अपना जो प्रतिबिंब दिखता, प्रतिबिंब जो दिखता है वो होता हुआ नहीं है, नहीं होता हुआ है, प्रेजेंस को बोलेंगे हम, प्रेजेंस जो उसका उपस्थिति, परमात्मा और परमात्मा का उपस्थिति, ये दो चीज होगा है। उपस्थिति होने से अनुपस्थिति भी होगा, लेकिन परमात्मा में अनुपस्थिति नहीं होगा, मतलब अस्थि, जो अस्थि है वो अस्थि में फिर नास्ति भी आ जाता है,
मतलब उसका अगर स्थिति को हम लेंगे, किसी भी हालत में हम दूसरा बन करके मैं दूसरा हूँ और परमात्मा दूसरा है, उसका स्थिति पर मेरे को ले करके उसका सब पूर्ण रूप से एक स्थिति है, ऐसा अगर मानूंगा तो फिर मेरा अहंकार एक अलग आईडी रखेगा ना उसके अंदर। जैसे घड़ा का आकाश सारे आकाश में अपना एक अस्तित्व रखता है ना, यद्यपि वो बाह्य आकाश के साथ एक है, अलग नहीं है, फिर भी अपना एक अलग पहचान रखता है। वैसे ही जीव अगर परमात्मा को देखता है, परमात्मा नाम से परमात्मा को देखता है, तो फिर दोनों एक होता हुआ अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे बाह्य आकाश और घटाकाश, ये दोनों एक होता हुआ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही ये जो इसका जो घटाकाश का जो एक उपस्थिति है, घर जब टूट जाएगा, घड़ा टूट गया तो उसका उपस्थिति को हम बता नहीं सकते, पर अनुपस्थिति भी नहीं बता सकते। उसका उपस्थिति तो बता नहीं सकते क्योंकि उसका पहचान नहीं रह गया, उसको अनुपस्थिति भी नहीं बता सकते, वो जो था वह है, जिस ढंग से था। इसी ढंग से जो उपस्थिति को हम समझते हैं, वो उपस्थिति को करण शरीर मानते हैं। अब आया थोड़ा बहुत समझ में। जैसे अब भारत सरकार है, भारत सरकार का उपस्थिति है, वो कोई वस्तु नहीं है, स्थूल वस्तु जिसको हम कह देंगे ये सरकार है, है? उसका उपस्थिति को ही में मानते हैं। इधर मान लो अभी बात हो रहा है, ये अभी ये बारिश बहुत हो गया और वो एक पहाड़ गिर गया, भयंकर एक डिजास्टर हो गया। अब यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, ये एक क्या चीज है, इन्फॉर्मेशन, एक सूचना, इसका क्या रूप है। ये सूचना ऐसे ही वो आएंगे, ये एक खबर है, सूचना है, उनकी प्रेजेंस की पुष्टि करता, उनका उपस्थिति को, भविष्य का उपस्थिति को वो पुष्टि कर रहा है। जो अनिश्चित भी है निश्चित भी हो सकता है। कितना सूक्ष्म विचार करना पड़ता है, वो सूक्ष्म तत्व जो है वो है करण शरीर का स्वरूप, परमात्मा का जो सूक्ष्म उपस्थिति है, जिसके डर से सारी दुनिया चलता है, सूरज तपता है, वायु बहता है, जल निम्न गति को प्राप्त होता है और धरती में सब काम होता है, ग्रह नक्षत्र सब उदय अस्त होते हैं, अपने अपने सारे कर्म करते हैं, वो किसके किसके डर से, वो परमात्मा का डर से, परमात्मा को नहीं डरते हैं, परमात्मा का उपस्थिति को डरते हैं। परमात्मा है इसीलिए डरते हैं। मैं उस दिन उदाहरण दिया था, मैं इधर हूं तो फिर सारे बच्चे लोग सब अपने अपने कर्म करते हैं, अगर मैं इधर नहीं रहूंगा, चले जाऊंगा कहीं दिल्ली या कहीं बेंगलोर गया, कहीं कलकत्ता गया, यहाँ नहीं, उपस्थिति तो है, अपेक्षित उपस्थिति नहीं है, जो अपेक्षा किया गया है यहाँ पर उपस्थिति नहीं, यहाँ सामयिक
अनुपस्थिति है, सामयिक अनुपस्थिति है। तो इस अनुपस्थिति का डर नहीं होता है, पर उपस्थिति का डर होता है। इस डर से सारे दुनिया अपने अपने कार्य में, धर्म का निर्वाह करने में, नियम को पालन करने में, अपने कर्तव्यों को पालन करने में सब लगे हुए। सूरज उदय अस्त होता है परमात्मा के डर से, चंद्रमा शीतल होता का अमृत का वितरण करता है परमात्मा के डर से, हवा चलता है परमात्मा के डर से, सब अपने अपने कर्म को, कर्तव्य कर्म को परमात्मा के डर से करते रहते हैं। तो उपस्थिति जो है वो करण शरीर के रूप में मान लो थोड़ा देर के लिए। मैं कभी कोई फंसने के लिए कोई काम नहीं करता, मैं नहीं फंसूंगा, मैं ऐसे ही करके छोड़ देता थोड़ा देर के लिए, मान लो बाद में क्या होगा बता दी। मैं नहीं फंसने वाला, मेरे परणों के कोई कहेगा शास्त्र ऐसा बोला ऐसा बोला, अरे वैसा तो सब बोलते हैं, लेकिन थोड़ा हमें उसको तो समझना पड़ेगा, थोड़ा देर के लिए कुछ समझना पड़ेगा, इस ढंग से समझना काम का होगा, फायदामंद होगा। हाँ जी, तो अब समझ में आया, सूक्ष्म जीव जो है, जीवात्मा जो है, कर्म को भोग करने के लिए अपना शरीर को बनाता है, स्थूल शरीर को बनाता है। अच्छा, स्थूल शरीर को बनाएगा कैसे बनाता है, पर सृष्टि करता सूक्ष्म रूपधारी ईश्वर, सूक्ष्म रूप तो है उनका, नाम रूप है, लेकिन सूक्ष्म है जो हमको दिखता नहीं स्थूल आंख में। अच्छा, पर है, मना नहीं कर सकते हैं, जिसका स्थूलीकरण हमारा अस्तित्व इस रूप से है, स्थूल रूप से हम है, और हिस्सा के रूप में उसी का एक अंश भूत हो करके, तो इस ढंग से अगर है, ये अनेक है, एक में जैसे अनेक है, जैसे एक पेड़ उसमें अनेक शाखाएं हैं और अनेक पत्ते भी है, अनेक कलियां हैं, अनेक फल है, फूल है, सब अनेकता में विभक्त हो गया, एक पेड़ है और अनेक में दिख रहा है वो। ऐसे ही जो परमात्मा ईश्वर के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में एक होता हुआ अनेक जीवों का समष्टि रूप है। तो अभी ये शरीर को क्यों बनाना, क्यों बनाया और क्या मतलब क्या हुआ, शरीर को अगर मान लिया गया तो वो कल्पना से इसको अनेक में बदलने के लिए, अनेक में बढ़ाने के लिए इस शरीर को, इसको कहते हैं सिद्धि, अनेक में बढ़ाने के लिए वो किया, और ये अनंत काल तक अनेकता में बदलते जाएगा, यही सृष्टि का प्रक्रिया है। क्यों क्यों ऐसे ही पहले से शुरू हुआ, बस क्यों का सवाल नहीं, मैं पूछूंगा, तुम देखा है वो आकाश में एक काला धब्बा, क्यों देखा, कहां से देखा, कौन बनाया वो आकाश का काला धब्बा को, इसका कोई माने होता है क्या? ये सवाल का कोई माने नहीं होता है। इस रूप से इस शरीर को बनाया, और कहां से इसको क्या उपकरण लिया,
उपकरण क्या लेकर के बनाएगा इस शरीर को, वो तो सूक्ष्म है, उसका उपकरण आठ ही चीज बता दिया। अच्छा, अब ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी आठ शरीर वाला, आठ चीज वाला है, पूरी अष्टक बोला। और ये उस ईश्वर का जो सृष्टि करता है, ईश्वर जो हुआ उसका ये अंश विशिष्ट हुआ, जैसे शरीर का हाथ पांच अंगुली, तो ऐसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर हुआ ये स्थूल शरीर को कैसा बनाएगा। ये सूक्ष्मता आया कहाँ से, ये सूक्ष्मतम नहीं, अणुरण ज्ञान नहीं, सूक्ष्मतम जो है सूक्ष्मतम से भी और सूक्ष्म जो आएगा जिसका तुलना ही नहीं हो सकता, वो तो परमात्मा है। अब ये धीरे धीरे सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम ऐसा करके, और सूक्ष्म फिर सूक्ष्म और स्थूल तम स्थूल 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 तर स्थूल तम में बदलेगा, मतलब फेज बाई फेज धीरे धीरे बदलता जाए। इसलिए ये सूक्ष्म शरीर ये जो बनाया शरीर को, ये प्रकृति से अपने इनग्रीडियंट्स को इकट्ठा किया, ये खुद भी एक प्रकृति का एक खुद बनावटी चीज है, प्रकृति ही बनाया इसको जो सूक्ष्म शरीर को, मूल प्रकृति बनाया। और ये फिर अपने आप और सब इकट्ठा किया, प्रकृति से इकट्ठा किया और अपने को स्थूल रूप दिया। कैसे, जैसे मान लो रास्ता में चल रहे हो है, तुम्हारे पास एक थैला में कुछ गार्बेज है, सब कुछ कचरा पट्टी रखे हो, जहां कहां फेंकते नहीं ना। अच्छा, कार में जा रहे हो, कहां फेंकोगे उसको है जी, कूड़े दाना मतलब उसमें और पहले से है उसी में तो फेंकोगे ना। और रास्ता के किनारे अगर बाई चांस कोई झाड़ूदार इकट्ठा कर रखा है वही फेंकोगे मार किए हो कभी तो इसी ढंग से ये बहुत सारे कूड़ा करकट है, इसी का नाम तो स्थूल प्रकृति है, स्थूल प्रकृति। सूक्ष्म प्रकृति जो है वो स्थूल रूप लिया, स्थूल रूप किसको लिया, पंच तन्मात्रा जो थे रूप क्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो पंचभूत बन गए। स्थूल रूप लेना मतलब थोड़ा सा जहाँ आए उधर और फिर और डालो और डालो और डालो, इतना बड़ा ढेर हो जाता है ऐसे स्थिति बनता भी। तो फिर क्या होता है, ये जो कचड़ा पट्टी सब है ना, अब उससे कुछ चीज ला करके और कुछ भी बना लो। जैसे मान लो पंचभूत है, पंचभूत फिर क्या होगा, पंचीकरण होगा, एक के साथ दूसरा मिल करके फिर तीसरा बनेंगे। एक के साथ दो भी मिल सकता, तीन भी मिल सकता, चार भी मिलेगा, पांच भी मिलेगा, मिला हुआ भी मिलेगा, मिला हुआ के साथ मिला हुआ भी मिलेगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा पंचीकरण का कोई अंत नहीं। इसी ढंग से ये स्थूल पदार्थों का सब बनावटी होता है, जहां एक चीज थोड़ा इकट्ठा हुआ उसमें और भी चीज कुछ मिल गया तो फिर ज्यादा हो गया। और उसका उदाहरण तुम्हारे अपना शरीर है, कैसे, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था
अरे इतना सारे बड़ा शरीर कैसा हो गया जो इकट्ठा करते करते तो अन्न का रस को इकट्ठा करते करते मांस मांसपेशियां और सब चर्बी चर्बी सब बना करके इतना बड़ा पेट हो गया। ऐसे ही बनता है, जैसे अपना शरीर बनता है ऐसे ही सौराव ने बना। ये शरीर भी पहले ही ऐसे ही बना था, पांच भूतों से इकट्ठा करता है। कौन करने वाला? ऐसे कह दिया गया कि मन, मन इसका इकट्ठा करता। मन मतलब वही जो सूक्ष्म शरीर, अपना भोग को भोगने के लिए मन उसमें है ना, हाँ पूरी आस्तक में है। वो एक स्थूल शरीर को बनाता है और चीज लाएगा कहां से? प्रकृति से इकट्ठा करता है। आप समझ में आ गया? तो इसका सचमुच पूछो, कोई एक ये शरीर को बनाने वाला नहीं है। इसीलिए पहले वो बोल दिया था ये शरीर का बना, ये शरीर रूपी जो घर है इसको कोई नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया। ये सुन के डुअलशिप खत्म हो जाती है। इसको अगर समझोगे और मानोगे तो फिर तुम कर्ता कहाँ रहोगे? इसीलिए उसी पर्पस को अंदर रख करके राम जी पूछे हैं। हाँ जी, चीज अब दिख रहा है या एनालिसिस करने के लिए ही तो राम जी पूछे हैं। हाँ जी, इसलिए हम बार बार भी कर रहे हैं। एक बार में मन मानता नहीं, एक बार में मन मानता नहीं, दस बार बोलो, पचास बार बोलो, अलग अलग भाषा में बोलो, अलग अलग शब्दों में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, तो इस ढंग से इस शरीर को बना हुआ भी दिखता हुआ भी इसको कोई नहीं बनाया। गीता में बोला मन स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, सब इकट्ठा करता है प्रकृति से और इंद्रियों को भी बनाता है, इंद्रियों का स्थूलीकरण करता है, शरीर को भी स्थूल रूप देता है और यह स्थूल को भी फिर और स्थूल बनाता है। छोटा सा एक रज और वीर्य इकट्ठे हो करके एक दोनों मिल करके एक कुछ बनेगा। एक खाली मनुष्य में नहीं, सारा सृष्टि प्रक्रिया ऐसे ही है। देखो फूल में पराग संगम कैसा होता है और सब जगह, अंडे में देखो सब जगह पर ऐसे ही होता है। दो मिलकर के एक होगा, एक तो प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष जिसको हम कहते हैं वो पूरे से ती ये सूक्ष्म शरीर को मान लो और इसी को और विचार करेंगे तो थोड़ा देर के लिए मानना है और ज्यादा विचार करोगे तो फिर वो सृष्टिकर्ता अथवा जो उसका उपस्थिति जो मानसिक एक भावना था कि एक हम वो अनेकता में बदलने के लिए सबके अंदर घुसेगा। इसको दूसरे भाषा में भी कहा गया तत् सृष्ट्वा तदनुविशत, इस भाषा में कहा गया उसको काल्पनिक रूप से बनाया गया और उसके अंदर भी घुसना घुस गया और स्थूल रूप से शरीर को बनाया, शरीर का ढांचा में डाल के और उसके अंदर प्राण रूप में घुस करके उसको क्रियाशील किया, खिलौना बनाया, खिलौना के अंदर चाबी भरा अथवा बैटरी डाला, रिमोट रखा बना। इसी ढंग से स्थिति हुआ और इस ढंग से व्यक्ति हुआ, शरीर ऐसा बना और पंचभूतों से बना। पंचभूत का अन्न रूप भी है, पंचभूत का प्राण रूप भी है, प्राण उसी से तो आया, अन्न भी उसी से आया, अन्नमय कोष प्राणमय कोष
मनोमय कोष, मन इसका सूक्ष्म सार है। मन का दूसरे रूप अगर हम एनालाइज करेंगे, ये तो स्पंदन हुआ, और प्राण का स्पंदन मस्तिष्क के कोशिकाओं में हुआ। अलग अलग भाषा में अलग अलग दृष्टिकोण से मन का स्वरूप कैसा, मन ये पंच तत्वों का सारभूत चीज है, और इसी का नाम मूल प्रकृति है, इसी मन का नाम, ये मन का नाम माया है, ये मन का नाम समय है, इसी मन का नाम कर्म है। और मन ही मन का, मन अपने आप बंधन का कारण ऐसे बनता है, जैसे टसर का कीड़ा, रेशम का कीड़ा, वो अपने घोंसला बना करके, कोष बना करके उसके अंदर घुसा हुआ रहता है, वैसा मन शरीर को बना करके उसके अंदर रह कर, प्राण रूप में रह करके सारा काम को करता है। तो इस ढंग से अगर हम सोचेंगे तो फिर मन प्राण में कोई अंतर नहीं, और मन जो जड़ है, प्राण का भी जड़ मन है, इस ढंग से एक दूसरे का जड़ बन जाता है, मूल कारण बन जाता है। स्थूल रूप से तो प्राण का स्पंदन मन का स्पंदन को शुरू करता है, चेष्टा प्रदान करता है, और दूसरे रूप से मन है सबका सार, सारे पंच तत्वों का सार मूल प्रकृति होने से फिर प्राण को वही तैयार करता है। एक दूसरे को मोमेंटम देते हैं, बिल्कुल। कहां से तुम देखते हो, कहां से देखते हो कि क्या दिखता है? इसीलिए तो कॉम्प्लिकेटेड है, इतने कॉम्प्लिकेटेड, एक तरफ से देखोगे तो अधूरा दिखेगा। अब समझो शरीर का बनावटी कौन क्या और कहां से बना, क्यों बना, और इसके अंदर कौन रहता है, ये थोड़ा बहुत हम विचार कर लिए। अब वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी का उत्तर में, हे राघव, यह शरीर केवल आभास रूप है, झलक मात्र है। आभास किसको कहते हैं, भास मतलब, भा मतलब होना, प्रकाश का नाम भा, भा मतलब प्रकाश भी है, बुद्धि भी है, जो दिखाई देता है अथवा अनुभव में आता है, भावना। भा जो था वो बन गया कुछ, भावना पॉसिबिलिटी, हाँ आवाज को पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हम बोल सकते हैं। और आभास मतलब एक संभव पॉसिबिलिटी, सूक्ष्म उपस्थिति समझे ना, हाँ जी, क्या सूक्ष्म संभव, संभावना है, संभव संभव, हाँ वही पॉसिबिलिटी, संभावना, संभावना है। इट कैन हैपन, इट मे बी देयर, इट मे बी देयर, मे नॉट बी, तो मे बी होगा तो मे नॉट बी, संभावना है तो असंभावना भी होगा, दोनों ही संभव, दोनों ही है और नहीं है, इसकी बात है और नहीं है, तो इसी को तो कहते हैं अनिर्वचनीय है। तो इसको अच्छी ढंग, अच्छी तरह समझो, झलक मात्र, एक ग्लिम्स, झलक 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 झलक, वह छबिली छबिल छबि की झलके झलक, जब मन कभी समाहित हो जावे, वह छबिल छबि, पिक्चरस्क पिक्चर, कौन है, परमात्मा का जो एक पहला रूप दिया, जो छबिल छबि, सुंदर, अति सुंदर, मनोहर, श्याम सुंदर,
जिसको देख करके कभी फिर मन उधर से बिछुड़ता नहीं, वह छवि छवि की झलके झलक। जब मन कभी समाहित तो हो जावे, मन अगर चुप हो जाएगा, तब जाकर के वह झलक मिलता है, ग्लिम्सेस, वो छवि की छवि, हाँ, उनकी छवि, छबिले के छवि, जो दिखते नहीं है, उनकी छवि, हाँ, सुंदरता का सुंदरता, हाँ, सुंदर छवि छवि की झलके झलक। जब मन कभी समाहित तो हो जावे और वो अनोखा आनंद रोमांच भर, तब नयन नीर तब थलकावे, हाँ, रोमांच रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन चुप हो जाता है और आंखों में पानी भर जाता है। नयन नीर तब थलकावे, आंख हिल जाता है, पानी में भर जाता है, अपने आप। और क्या होता है, और छवि छवि कहाँ है, और क्षीर सागर के अंदर वो जो शेष शयन में दिख रहा है, नाभि में कमल खिल रखा है, कमल के ऊपर सुंदर छवि चतुर्मुख ब्रह्मा बैठे हैं और अनंत साई नारायण आराम कर रहे हैं, लक्ष्मी वो चरण को दबा रही है और शेषनाग उसके ऊपर छाया कर रखा है और आसमान से सफेद सफेद बादल, क्यों सफेद बादल, क्षीर सागर के बादल है, इसलिए काले बादल नहीं उठते है उधर, तो सफेद सफेद बादल धीरे धीरे गंभीर गर्जना करते हुए वो अमृत का धारा बरसते हैं और वो नील सागर के क्षीर सागर के अंदर वो दृश्य जो है वो पहाड़ के उस तरफ है, वो पहाड़ के उस तरफ है, पर्वत के उस तरफ है, इस तरफ नहीं। इस तरफ क्या है, अरे इस तरफ तो घनघोर अंधकार है और इतनी घना जंगल है जहां किसम किसम के हिंस्र प्राणी आवाज दे रहे हैं, उल्लू चिल्ला रहा है, बाघ गर्जना कर रहा है, सांप फांफा कर रहा है और कहां कोई झिंकारी झींझे आवाज कर रहा है, झिंकारी जंगल में एक कीड़ा होता है, झिंग उसको झिंकारी बोलते हैं, वो झिंग झिंग आवाज चल रहा है जंगल में भयंकर। इस जंगल में कभी मैं रास्ता भूल करके अंधेरी रात में घुस गया था, क्या करें, रास्ता भूल गए, भयंकर बादल छा रखा है और रास्ता खो दिया, ऐसा जंगल में घुस गया। रात भर घूमते घूमते डरते डरते कहां जाऊं, कितने खड्डे में गिरा, कितने पत्थर से टक्कर लगा, कितने कांटे चुभे, अनगिनत
ऐसा ठोकर खाते खाते घूमते घूमते कभी समय आया अचानक आसमान में थोड़ा सा उजाला दिखा, पूर्व आकाश में अचानक थोड़ा सा प्रकाश दिखने लगा, तो आशा की किरण जगने लगी। हो सकता है कभी सूर्य उदय हो जाएगा। और जैसे जैसे वो प्रकाश थोड़ा घनीभूत होने लगा, धीरे धीरे दिखाई दिया एक पहाड़, भयंकर पहाड़ सामने खड़ा, उसके ऊपर प्रकाश दिख रहा है। वो पर्वत अति भयंकर है। जैसे जैसे प्रकाश घनीभूत होने लगा तो वहां पर दिखने लगा, और जो जंगल था जिसमें मैं खड़ा हूँ पहाड़ के नीचे, वहां पर देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा सफाई है, हो रहा है। तो सामने तो पहाड़ है, उसके पहली तरफ क्या होगा। देखा पहाड़ के ऊपर प्रकाश, प्रकाश जैसे घनीभूत होने लगा तो देखा कोई बैठा है ऊपर। हाँ, अरे पहाड़ के ऊपर भी कोई बैठा है, कौन होगा। जैसे जैसे प्रकाश और साफ होते रहा, देखा कितना सुंदर मूर्ति, हंसमुख। और उधर बैठा है, तो मैं चिल्लाया, ओ पहाड़ के ऊपर बैठने वाले कौन है तुम। अरे भैया मेरे को थोड़ा मदद करो, ये पहाड़ के नीचे मैं परेशान हूँ, जंगल में मैं परेशान में डूब रखा हूँ, मुझे मदद करो। हंस करके कहे, अच्छा तेरे को मदद चाहिए, ले एक रस्सी फेंक दिए, रस्सी फेंक दिए। तो वो रस्सी को पकड़ करके जब मैं ऊपर धीरे धीरे चढ़ा, जा करके ऊपर चोटी में उठ गया। अरे उस तरफ की दिशा ये दिखाई पड़ा। आई समझ पहाड़ के उस तरफ ये छबिल छवि, वो पहाड़ वो झपाड़ था, वो सचमुच कोई पहाड़ नहीं था, वो माया का पहाड़, ये जंगल संसार का अरण्य। और वो पहाड़ के ऊपर गुरुदेव बैठे हुए थे। उस तरफ वो छबिल छवि की झलक तभी मिलेगा, वो छबिल छवि की झलके झलक जब मन कभी समाहित तो हो जावे। चोटी में चला गया तो मन तो समाहित तो हो गई, उस तरफ का छवि दिखने लग गया। उस तरफ तो हमेशा प्रकाश ही प्रकाश है, अरे कितना सुंदर। और मुक्ता के हीरा, मुक्ता मणि और हीराओं के सब रेत चमक रहा है, समुद्र के बेला, समुद्र के किनारे वो सब चमकीले रेत, कितना सुंदर चमक। और सांप जो अनंत नाग, उसके ऊपर मान लो सोने के छतरी पकड़ रखे हैं, तो वो छवि जब दिखने लग गया तो क्या कहता दिल, गुरु आशीष शीश धरी वन बुद्ध मिलूं वह महासिंधु में, सिंधु से। और जहां से फिर न फिरते कोई, जाऊं टकराऊं उन
उन लहरों से, वो क्षीरसागर के जो लहरें लहराते हैं, आहा क्या सुंदर। तो गुरु आशीष शीश धरी बन के बुद्ध, एक छोटा सा कण बन करके बन बुंद मिलू जा महासिंधु से, मुझे क्षीर सागर से जाकर के मिल जाऊंगे, जहां से फिर ना फिरते कोई, इस तरह कोई वापस नहीं आया उस तरफ जाने के बाद, इस तरफ का तो उस तरफ जा सकते हैं, उस तरफ से कोई इस तरफ नहीं आया, और उस तरफ का बातें कौन बताया जो पहाड़ के ऊपर बैठा है, उस तरफ को भी देख रहा है, इस तरफ को भी देख रहा है, वही बताया, वो तो वहां बैठा है। इस तरफ का अंधकार के घूमने वाले लोगों को मदद करने के लिए, उस तरफ का प्रकाश को भी देख रहा है, पहाड़ के चोटी के ऊपर बैठा है। तो उसका आशीर्वाद को शीश में धारण करके एक बूंद बन करके वह महासिंधु से मिल जाऊं, जहां से कोई जगत्वा निवर्तन पे कभी कोई वापस नहीं आया, जाऊं टकराऊं जो से आकर के मिल जाऊं उसके साथ उन लहरों से, समझे। ये मन ऐसा जब समाहित तो हो जाता है, तब वो छवि का छवि को झलक मिलता है। झलक किसको कहते हैं आई समझ में, आभास इसको बोलते हैं। और ये शरीर जो है ये सिर्फ एक ऐसे ही है, इसका एक काल्पनिक गठबंधन है, काल्पनिक गठबंधन, और ये सचमुच है नहीं। इसको हम बादल या कुहेरा धूंध के रूप में थोड़ा उदाहरण दे सकते हैं। धुंध को क्या कहोगे, कुछ है क्या उसमें? एक पल में सूर्य कड़क हो जाएगा तो धुंध कहाँ चले जाता है पता नहीं। तो ऐसे ही ये शरीर ऐसा दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। कैसे आया था, कैसे कहाँ से आया था, इसका जड़ अगर ढूंढोगे कहीं नहीं मिलता है शरीर का जड़, और इसका अंत कहाँ होगा, अंत भी कहीं नहीं मिलता है। जलाओगे तो राख बन जाएगा, और ऐसा सड़ाओगे तो पंचभूत में सब मिल जाएंगे, प्राण प्राण में वायु में चला जाएगा, और हड्डी मांस ये सब जल स्थल में मिल जाएगा। तो इस ढंग से इसका कोई अस्तित्व बचेगा नहीं, कोई बचत नहीं मिलेगा। तो इसको इसीलिए कहा गया झलक। घड़ा टूट गया तो घड़ा, टूटा हुआ घड़ा कहाँ जाता है, और अगर पक्का घड़ा है तो कुछ दिन रहेगा, और अगर कच्चा घड़ा टूट गया इसको कौन कैसा कहा सुनो। ये पहाड़ी भाषा में कीर्तन करता है, कैसा कीर्तन करता है, कहते हैं ये देह है मिट्टी का घड़ा, ठोकर लगे टूट जाना
कभी न भूलना, कभी न भूलना। हरि चरण चित लाना कभी न भूलना, ये संसार दो पल का, ये दुनिया दो पल का, ये शरीर दो पल का। हरि चरण चित लाना कभी न भूलना, ये जीवन दो दिन का, ए जीवन आए रे मिट्टी का घड़ा, ठोकर लगे टूट जाना कभी न भूलना, ए जीवन दो दिन का है और ये जीवन है रे कागज की पुतला, हवा चले उड़ जाना। ये जीवन है रे जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाना कभी न भूलना। ये जीवन है रे बर्फ का टुकड़ा, धूप लगे गल जाना कभी न भूलना। ये जीवन दो दिन का, हरि चरण चित लाना कभी न भूलना, ये जीवन दो दिन का। और फिर जीवन को कितने उदाहरण सब दिए हैं, दो पल का है। और किसने कहा अरे दो दिन का, उजला फिर अंधेरा छाएगा, तुम महाकाल के चुंगल से कभी न छूट पाएगा। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरा छाएगा, तुम महाकाल के चुंगल से कभी न छूट पाएगा। होश में आ जा। तो इस ढंग से ये झलक है, इसका कोई बनाने वाला नहीं, ना ये शरीर कभी बना, मानो के बन गया करके बन गया कैसे बना, कोई नहीं बनाया। इसीलिए कहा इतने तरह इतने दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि शरीर कभी बना नहीं, नहीं बना। अरे बिना निर्माता के ही अविभाषित होता है, कोई बनाया नहीं फिर भी दिखता है। उदाहरण दे रहे हैं द्वि चंद्र भी भ्रम के जैसे, आंख में दबाओ पलक को दबाओ देखो दो चंद्रमा दिखता है ना, नहीं। और दूसरा चंद्रमा का बनाने वाला कौन है दूसरे चंद्रमा को किसने बनाया, कोई नहीं बनाया, वो बना ही नहीं, आई नहीं उसको कैसे। और आकाश का जो कमल उसको कौन बनाया तो ऐसे ही ये कहते हैं दो चंद्रमा और जैसे जल में गिरा चंद्र प्रतिबिंब, ये जो सूर्य हो, हम कितने बार इसका चर्चा किए, जैसे चंद्र ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण होता है, उसको ऐसा खाद्यान्न से नहीं देखते हैं, हल्दी पानी में थाली में रख दो, उसमें वो ग्रहण को देखना, छाया को देखना, आंख खराब नहीं होता उसमें, नहीं तो आंख के ऊपर असर पड़ता है। तो 50 लोग देखते हैं, 50 चंद्रबिंब देखते हैं, वो चंद्रबिंबों को कौन बनाया कोई नहीं बनाया, बिंब तो बिंब है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब को कोई नहीं बनाया। अच्छा तो ऐसे ही समझो, ये शरीर को चंद्र प्रतिबिंब एवं चक्षु पर अंगुली रखने से हुआ द्वितीय चंद्रमा का विभ्रम निर्माता की अपेक्षा नहीं रखता है, कौन बनाया कौन नहीं बनाया उसको कोई पूछते नहीं, यह ऐसे ही दिखता है।
इसको कहते हैं आभास, आभास। वैसे ही आभास मात्र यह शरीर भी निर्माता की अपेक्षा नहीं रखता, शरीर को कोई बनाया ऐसा सोचो मत, कभी नहीं बनाया कोई। श्रुति में प्रसिद्ध जो ईश्वर निर्मातृत्व है, ईश्वर के द्वारा जो निर्माण किया गया, ईश्वर इसका निर्माण करता है करके श्रुति में कहा गया, वो पुरुष निश्वास दृष्टांत देखने से मुख्य प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार जीव का निर्माण कारित्व भी मुख्य नहीं है। जीव जैसे शरीर को बनाया कहा गया अथवा ईश्वर इस शरीर को बनाया कहा गया, ये इसका अर्थ ऐसे ही बनाया है। भले हम चर्चा किए थे कि शरीर शास्त्रों का भाषा जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता नहीं, इसीलिए जो भाषा का गूढ़ अर्थ को समझो। बनाया मतलब आभास रूप से बनाया गया, एक कल्पना किया गया, और उदाहरण भी दे दिया, एक तो प्रतिबिंब चंद्रमा का जैसे, सूरज का जैसे, और दूसरा चंद्रमा जैसे दिखता है, और हम भी दूसरा कितनी है। जैसे मान लो मरीचिका में जैसे जल दिखता है, कौन बनाया उस जल को? तो इसका निर्माण करने में कोई बुद्धि का उपयोग है और न कोई अनिष्ट का निर्माण ही कराता है। कोई अनिष्ट नहीं किया, कोई इष्ट नहीं किया, कोई नहीं किया इस शरीर को बनाया नहीं, और इसका इसी ढंग से करता कोई नहीं। करता जब नहीं है तो भोक्ता भी नहीं होगा और खुद इसका अस्तित्व भी नहीं होगा। इस ढंग से हम आलोचना करके, विश्लेषण करके हम देख लिए शरीर का अस्तित्व है ही नहीं। तो कल देखेंगे इसके ऊपर फिर आगे इसको और पक्का बनाएंगे। कल शरीर ना बना ना है, शरीर होगा तो मैं हूंगा, मैं शरीर हूं करके मान रखा हूं, ऐसे ही कल्पना में चलता है। और मैं हूँ शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, और फिर मेरा है, तो सारा दुनिया बन गया दुनिया। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जगवासिद्ध जी भगवान की जय।